please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजनीति मत करिएगा, लेकिन मुझे समझाइए जरूर इस बात को अगले 40 सेकंड के अंदर कि कैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ जाति हो रही है इस बिल के जरिए। वारिस पठान, और आपकी बात का जवाब रिजवान अहमद देंगे। देखिए देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल की दाद देता हूं जिन्होंने हिम्मत करके आज पहली मर्तबा दिखाया है कि कितनी सारी हमारी मुसलमान माँ और बहनें रस्ते पे आ गई है हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अब बात रही कि आपने जो कहा राजनीति, राजनीति का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। एक मुसलमान इंसान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, शरीयत में मदाखिलत नहीं बर्दाश्त करेगा। और यहाँ दूसरा सवाल संविधान की जो बात है, जब ट्रिपल तलाक को वॉइड अब इश्यू डिक्लेयर कर दिया गया है, अरे आप खामोश रहिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी बातें सुना कब से। जी जी बोलिए वारिस साहब। वॉइड है तो उसके बाद ये बिल इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? जब मैरिज इन अ मुस्लिम इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, अवस्थी जी, मैरिज जो मुसलमान में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो जब चाहे तलाक कैसे कर सकते हो? अगर फिर अधिकार औरतों को मुझे दीजिए, वही नहीं, तलाक के बिना के अधिकार औरतों को मुझे दीजिए, जाके तो केस करके उसके आधार पर वो जाके एफआईआर कर देगी। अगर वो तो उसकी बीवी है, उसकी बीवी है, 10 कहानियां बता दी, बीवी है, कली केवल करा लेगा, केस चल रहा है, बहुत ऊंचे विचार में रहेगा, उसका घर कौन संभालेगा, उसके बच्चों को कौन संभालेगा, उसका केस लड़ने का पैसा कौन देगा? संशोधन की बात करिए, चिल्ला रही है सुमित जी, इनको खामोश कराइए, नहीं तो फिर डिबेट के नाजिया 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 मुझे ये गलत बातें जो नाजिया 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 यसमीन जी कर रही है, जी आप दोनों खूब बोलिए, अरे आपको इतनी फिक्र है औरतों की तो जाइए वृंदावन में, हमारी हिंदू बहनें लाखों की संख्या में बैठी हुई है, उनको भी इंसाफ दिलाइए, हमारी एक भाभी गुजरात में इंसाफ की गोहर लगा रही है, उसको भी इंसाफ दिलाइए, कितना परसेंटेज टाइम आपको हिंदुओं की जरूरत चाहिए क्या? आप हिंदुओं के साथ लड़ना चाहते हैं लड़ाई को? वारिस भाई का सेंसस है आपके पास? देखिए मैं चाहता तो इस पैनल को हिंदू मुसलमान कर सकता था, ये इल्जाम बहुत लगता है मीडिया में कि हिंदू मुसलमान करके आप वो करते हैं, मैं इसीलिए इसमें हिंदू मुसलमान नहीं लाना चाहता हूँ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ वारिस भाई, आप तो पॉलिटिकल आदमी है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है उनके साथ। मैं पॉलिटिकल बिल्कुल सब सुमित जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि हमारी बहन जो इतना चिल्ला रही है, जो बीजेपी की है, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मुसलमान औरतों की इतनी फिक्र है तो हमारी हिंदू बहनें वृंदावन में लाखों की संख्या में बैठी है, उनको भी इंसाफ दिलाइए। ये बिल मुसलमान औरतों को इंसाफ नहीं दिलाएगा, ये उनके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए लाया गया है। इस बिल के द्वारा बिहार के गलत इंटेंशन सामने आ रहे हैं, जो साबित करेंगे जेलों में डालो, रिजवान हो सके रिजवान, तकलीफ ये हो रही है कि बिना संवैधानिक है ये बिल, 98 का कायदा है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में है, जो हक दिलाता है, कोर्ट गलत ये बिल इंट्रोड्यूस करके और मुसलमान और छोटी कठिनाई आपको लगता है कि एक आपको लगता है ये कानून बनने से आपका आपके मजहब पे इतना बड़ा इफेक्ट हो जाएगा, सरकार लोग शादियां करनी बंद कर देंगे, हमने एग्जांपल के साथ बताया, रीजन के साथ बताया। अरे क्या बात कर रहे हैं यस्मीन जी, ऐसे तमाम मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं के अधिकारों के सैकड़ों कानून बने, पाकिस्तान में बने हुए हैं और जगह बने, मलेशिया में बने हुए हैं, नहीं मलेशिया में बने हुए, अल्जीरिया में बने हुए, ईरान में बने हुए, वो कानून क्या बात नहीं कर रहे? आप इस कानून को फेवर करते हैं कि हर मुसलमान आदमी को? मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यों आपका आपका समाज ये मंथन करने को तैयार नहीं है कि इसमें कुछ कमियां भी हैं। मैं आऊंगा अंसार भाई, मैं आऊंगा, रिजवान साहब का नाम ले चुका हूं, लेट रिजवान, क्योंकि वारिस भाई वकील है तो वकील के सामने मैं वकील को खड़ा करना चाह रहा हूं। ये नहीं जाना चाहिए कहीं भी इस डिबेट में कि हमारे पक्ष को कमजोरी मिली। वारिस पठान वकालत करते हैं मुंबई में,